विघ्नहर्ता श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश श्री जगन्नाथ जी जय श्री जगन्नाथ जी जय श्री जगन्नाथ जी जय श्री जगन्नाथ जी जय श्री जगन्नाथ जी प्रभु जगन्नाथ जी की प्रभु जगन्नाथ जी की प्रभु जगन्नाथ जी की प्रणाम प्रभु। मुझे ज्ञात था भक्त हनुमान तुम अवश्य आओगे। प्रभु का काज हो और हनुमान ना आए, प्रभु ये भला कैसे संभव है? मेरे तो जन्म का उद्देश्य है प्रभु का काज। भक्त हनुमान मेरे प्रतीक मेरे मंदिर के नील चक्र को थामने के लिए तुमने अपने अष्टभुज स्वरूप को प्रकट किया। आज के बाद मेरे जगन्नाथपुरी मंदिर के उत्तरी द्वार पर तुम इसी रूप में पूजे जाओ। प्रभु ये भक्त तो बस आपकी भक्ति का प्यासा है, आपकी सेवा करने के लिए ललायत है। मैं वचन देता हूँ प्रभु, आज के बाद मैं यहाँ आपके मंदिर का कवच बनूंगा। किसी भी तूफान और किसी भी संकट को आपके जगन्नाथपुरी मंदिर के निकट नहीं आने दूंगा। हनुमान तुम्हारे हृदय में मेरे लिए इतना प्रेम इतनी भक्ति है कि मैं रोकूंगा तो तुम तब भी नहीं रुकोगे, इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। सफल भव। धन्यवाद प्रभु। अथवा नहीं, अब मुझे प्रभु कार्य के लिए जाना चाहिए। प्रभु कार्य? किंतु वो तो संपन्न हो गया था ना गजानन। नील चक्र की रक्षा तो उन्होंने कर ली थी, किंतु समुद्र को मंदिर पहुंचने से रोके बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं हुआ था, ये हनुमान जी को भी ज्ञात था। किंतु सागर तो अपने प्रयोजन में स्थिर थे, वो तो तीव्र गति से मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। किंतु जब स्वयं संकट मोचन हनुमान मंदिर की रक्षा में थे तो वहां भला कैसा संकट। संसार में किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए
राम नाम ही पर्याप्त है, इसलिए आप फिर आगे बढ़ने का साहस मत कीजिएगा। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। अब समुद्र आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो मैं शीघ्र जाकर प्रभु की आराधना और उनके दर्शन कराता हूँ। जय श्री जगन्नाथ जी, जय श्री जगन्नाथ जी, प्रभु जगन्नाथ जी की जय, प्रभु जगन्नाथ जी की जय, प्रभु जगन्नाथ जी की जय। भक्ति भाव से दर्शन करूंगा, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा और शीघ्र ही अपने स्थान पर लौट जाऊंगा। प्रभु जगन्नाथ जी की जय, प्रभु जगन्नाथ जी की जय, प्रभु जगन्नाथ जी की जय। अधिक समय मत लगाना, यहाँ पादुकाएं मूल्यवान हैं, कहीं चोरी हो गई तो। प्रभु दर्शन में समय तो लगेगा ना, शांत रहिए और पूजा करने दीजिए। चलो भी, अब हो गई पूजा, भीड़ भी बढ़ रही है। विचित्र है ये भक्त, इसके मन में पादुकाओं का ही ध्यान है। चलो अब हो गई पूजा। शांत रहना तो आपके स्वभाव में ही नहीं है, पता नहीं किस खूंटे से गठबंधन कर दिया पिताजी ने मेरा, पूजा तक शांति से नहीं करने देते। चलिए। पता नहीं इतनी देर में कोई और मेरी पादुकाएं पहन कर ना चला गया हो। भगवान के मंदिर में ऐसा मुंह, ये उचित नहीं, इसे तो रोकना होगा मुझे। देखा, मेरी पादुकाएं मेरे पांव में नहीं समा रही हैं, संभवतः किसी ने चुरा लिया यहां से। ये भी नहीं है, व्यर्थ ही पूजा के समय में इतना समय नष्ट हो गया और मेरी नई पादुकाएं भी चोरी हो गई। देखा, ये पादुकाएं मेरी नहीं है, संभवतः बदल दिया किसी ने इन्हें। ये भी नहीं है, शीघ्रता करने को कहा था मैंने, तुमने एक बात नहीं मानी मेरी, कोई और ले गया मेरी पादुकाएं। वस्तुओं का कैसा मोह, आज है कल नहीं रहेगी। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वैन्द्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञाय गच्छन्ते मूढ़ा पदम वयम तथा। अर्थात जो मान और मोह से निवृत्त हो गए हैं, जिन्होंने संग दोष को जीत लिया, जो अध्यात्म में स्थित हैं, जिनकी कामनाएं मिट चुकी हैं और जो सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हो चुके हैं, वो उच्च पद को प्राप्त करते हैं। और वो यही संभव है, इसलिए यहाँ तो वो पुण्य मिलता है जो सदा साथ रहता है, जिसे कोई भी चोरी नहीं कर सकता, उसमें ध्यान लगाना चाहिए। धन्यवाद ब्राह्मण देवता, आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे मेरी भूल समझ आ गई। पादुकाओं में ही ध्यान लगा रहा और इनके मुंह में मैं प्रभु के दर्शन भी नहीं कर पाया। हम अभी भीतर जाकर उचित प्रकार से दर्शन करके आते हैं। अब मैं भी दर्शन करता हूं। तो सागर तो फिर यहां पहुंच रहे हैं। सागर जी, आप शांत और स्थिर रहिए, जिससे मैं मेरे प्रभु के दर्शन कर सकूं। धन्यवाद सागर जी।
प्रभु से क्या मांग रही हो बहन? मुझे तो महाप्रभु से मात्र एक बड़ा सा भवन चाहिए। भवन का मैं क्या करूंगी? बहुत बड़ा भवन है मेरे पास। मुझे तो सुमित्रा जैसे मूल्यवान आभूषण चाहिए। सुभद्रा से अच्छे आभूषण है मेरे पास। मुझे तो प्रभु से सिर्फ संतान चाहिए। ये मंदिर में प्रभु के दर्शन के लिए या आपस में वाक युद्ध के लिए आई हैं? पुजारी जी, ये प्रभु के चरणों के पुष्प है ना? तब आप मुझ पर एक कृपा कीजिए। प्रभु के आशीर्वाद के रूप में यहाँ उपस्थित सभी भक्तों पर इनकी वर्षा कर दीजिए। एक भी पुष्प यदि झोली में आ गया तो प्रभु की कृपा पाने की कामना पूरी हो जाएगी। जय श्री जगन्नाथ। लो, हमें तो पुष्प दिया ही नहीं भगवान ने। हम यदि आशीर्वाद के भूखे हैं तो प्रभु भी भक्ति के भूखे हैं, और जो भक्त उनकी भक्ति की भूख को शांत करता है उन पर उनकी विशेष कृपा होती है। किंतु आपने क्या किया? आई तो थी भक्ति और दर्शन करने के लिए, और उसके स्थान पर आप अन्य बातों में उलझी रहीं। इसीलिए तो आप प्रभु की विशेष कृपा से वंचित रह गईं। कामनाओं का कोई भी अंत नहीं। यदि हम ईश्वर को कुछ कहते हैं तो हमें भी उनकी सुननी चाहिए। जब आप सब लोग प्रभु की बात ही नहीं सुन सकती तो आशीर्वाद की कामना कैसे कर सकती हैं? सागर जी तो पुनः उग्र हो रहे हैं। समुद्र जी, मैं अभी तक एक बार भी प्रभु के दर्शन नहीं कर सका। आप एक बार मेरे प्रभु के दर्शन तो करने दीजिए। वैसे ही वहां पर आने वाले यात्री मेरा ध्यान भटका रहे हैं, इसलिए आप तो शांत रहिए। इस बार प्रभु के दर्शन अवश्य करूंगा मैं। पुजारी जी, धन बहुत है मेरे पास, उसमें से मैं आपको भी दूंगा। बस मेरे अस्वस्थ पिताजी के लिए मोक्ष के द्वार खोल दीजिए। ये कम है तो मेरे भवन आइए, मैं आपको धन से तोल दूंगा। किंतु आपको मेरे पिताजी को सरलता से मोक्ष दिलाना है। कैसी मूर्खता है ये! धन देकर पिता के लिए मोक्ष मोल लेना चाहता है ये। ये लीजिए पुजारी जी, स्वर्ण का अमूल्य हार है। किंतु कुछ कीजिए, मेरे पिताजी को कुछ हो उसके पहले आप प्रभु की पूजा करके इनके लिए स्वर्ग के द्वार खोल दीजिए। जहाँ प्राण वायु की आवश्यकता है वहां धन का कोई लाभ नहीं। कितना भी धन दे दो, ना तो तुम अपने पिता के लिए अधिक सांस मोल ले सकते हो और ना ही उन्हें मोक्ष दिलवा सकते हो। बस मोक्ष पाने का तो एक ही उपाय है, वो है भक्ति। भक्ति ही प्राणवायु है। यदि आप हृदय में भक्ति रखकर प्रभु का नाम लेंगे तो हृदय में प्राण वायु का भी संचार होगा। हरिओम 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 हरिओम। आप भक्ति भाव से इस शंख को बजाइए, आप स्वस्थ भी होंगे और प्राण वायु के मार्ग में कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। आप प्रभु जगन्नाथ जी का नाम लेकर बजाइए, अवश्य बजेगा।
जय प्रभु जगन्नाथ जी। अद्भुत, पिताजी कुशल हो गए। क्षमा करें ब्राह्मण देवता, मैं पैसों के बल पर भक्ति मोल ले रहा था। आप मेरे नहीं, प्रभु के चरण स्पर्श करके उनसे क्षमा याचना करें। उनके दर्शन करने आए हो वत्स, और वो ही मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। जिस प्रकार जीवित रखने वाली श्वास को मोल नहीं लिया जा सकता, वैसे ही मोक्ष प्राप्ति का कोई भी सरल मार्ग नहीं है। महान भक्त अपनी सेवा भक्ति से नहीं चूकते। श्री राम भक्त हनुमान जी सभी भक्तों का मार्गदर्शन करने लगे, जबकि उन्हें स्वयं प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। यही तो उनकी महानता है, जिनके सामने हम सभी नतमस्तक हैं। और जिस प्रकार वो सभी को ज्ञान प्रदान कर रहे थे, उससे कुछ महान होने वाला था। महाभक्त हनुमान जी ने ये सुनिश्चित कर दिया था कि उस दिन से कोई भी भक्त प्रभु के मंदिर आए तो वो बिना किसी भटकाव के सच्ची भक्ति के साथ वहाँ पहुँचे। किंतु ये कैसे किया उन्होंने? यहाँ तो सभी भटके हुए हैं, एक एक को समझाना तो असंभव है। अब आप ही कोई मार्ग दिखाइए। मंदिर में होने पर भी ये सभी लोग विकारों से ग्रस्त क्यों हैं? यहाँ तो इनके मन में केवल एक ही विचार होना चाहिए, प्रभु की भक्ति का। कामदेव, यहाँ जो घट रहा है तो उसके पीछे कामदेव ही हैं। कामनाओं से मुक्ति ही सच्चे अर्थ में प्रभु का दर्शन है। व्यक्ति का मन कामनाओं से ग्रसित हो तो प्रभु मिलकर भी नहीं मिल पाते। संकट मोचन ने संकट को पहचान लिया था, उन्हें कामदेव की उपस्थिति और उसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। हनुमान जी ने ये ठान लिया कि उन्हें मंदिर के क्षेत्र को कामदेव से मुक्त करना होगा। और अब हनुमान जी जगन्नाथ जी पुरी आने वाले सभी भक्तों को कामना रहित करने जा रहे थे। आप जो भी कर रहे हैं कृपा करके उसको रोक दीजिए और आप यहाँ से प्रस्थान कर जाइए। एक साधारण ब्राह्मण भला मुझे कैसे पहचान सकता है? सब क्या है? अब कौन है ब्राह्मण देवता? श्रद्धा, भक्ति और समर्पण मंदिर के प्रांगण में केवल यही भाव होना चाहिए, किंतु ये सब कामनाओं के विकार से ग्रस्त हैं, जो कदापि नहीं होना चाहिए। इसलिए आपसे आग्रह है, इस पवित्र स्थान को अपने प्रभाव से मुक्त कीजिए कामदेव। बस मुझे चेतावनी देने वाले आप होते कौन? मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, वो भी एक साधारण ब्राह्मण के कहने? कदापि नहीं। मैं साधारण ब्राह्मण हूँ या असाधारण, इसका ध्यान करने के स्थान पर आप ये सोचिए कि पुरी धाम बड़ी कठिनाइयों के बाद जगत स्थान के लिए अलौकिक से लौकिक धाम बना है। यदि यहाँ भी काम से ग्रस्त होकर दूषित भावनाओं के साथ भक्त यहाँ आएंगे तो भला प्रभु का आशीर्वाद कैसे पाएंगे? यही तो मेरा कार्य है, किसी को अपने मन में भाव नहीं लाने हैं तो ना ला। इसका चुनाव तो प्रत्येक व्यक्ति स्वयं कर सकता है, और ईश्वर ने इसी काम के लिए मुझे रचा है। इसी प्रकार प्रकृति को आगे बढ़ाने में सहयोग देता हूँ मैं। अवश्य कामदेव, इस संसार को आपकी आवश्यकता है, किंतु प्रत्येक स्थान पर नहीं, ये तो मंदिर है, अर्थात इच्छाओं और कामनाओं से दूर एक ऐसा स्थान जहाँ केवल भगवान का वास होता है, और यहाँ पर सभी का ध्यान एकमात्र ईश्वर पर ही लगना चाहिए। तो मैंने कब किसी को रोका है? कोई अपने मन से उलझना नहीं चाहे तो ना उलझे। ये तो आपको भी ज्ञात है,
कलयुग में काम विकारों का बड़ा प्रबल प्रभाव है, इसलिए प्रभु के स्थान को छोड़कर आप कहीं और चले जाइए। यहाँ पर प्रभु के भक्तों को अपने प्रभाव से मुक्त रहने दीजिए। किंतु मैं आपका आदेश क्यों मानूं? आदेश नहीं, ये तो बस मेरा आपसे अनुरोध है। किंतु मुझे तो ये अनुरोध नहीं लगता, आदेश ही लगता है। मैं आपके आदेश को नहीं मानने वाला, मैं यहीं रहूंगा। आपका जो मन में आए आप कीजिए। आप तो मेरे लिए अन्य कोई और उपाय नहीं छोड़ रहे। मैं तो आप पर बल प्रयोग भी नहीं करना चाहता। अच्छा, तो तुम मुझे युद्ध के लिए चुनौती देना चाहते हो? किंतु मुझे रोकना है तो वही करना होगा। अगर आपने मुझे पराजित किया तो मैं धाम छोड़ के सदैव चला जाऊं। किंतु अगर मैं अपने वाणों से आपको प्रभावित कर सका तो मैं सदैव इस धाम में वास करूंगा। कामदेव, आप एक बार पुनः विचार कर लीजिए। आप मुझे अपना कार्य करने से नहीं रोक सकते हनुमान जी। मैं अभी भी अपनी चुनौती पर अड़िग हूँ। मेरे बाणों के प्रभाव से कोई नहीं बच सकता। उचित है, फिर मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। तो फिर प्रथम बार आप ही कीजिए हनुमान जी। क्या राम भक्त हनुमान भी कामदेव को नियंत्रित नहीं कर पाए? अभी तो युद्ध आरंभ ही हुआ था पुष्पदंत जी। राम भक्त हनुमान कामदेव के समक्ष मात्र महाबली नहीं अपितु राम भक्त हनुमान थे। अतः ये युद्ध अस्त्रों की शक्ति से नहीं भक्ति की शक्ति से लड़ा जाने वाला था। अब मेरी बारी है हनुमान जी। मेरे दिव्य पांच बाणों से आज तक कोई सुरक्षित बच नहीं पाए, आप भी बच नहीं पाए, और मैं सदैव इस धाम में पास करूंगा। उत्मादन बाण, ये बाण शरीर में उत्तेजना उत्पन्न कर कामना को जागृत करता है। ये मेरे पांच बाणों में से प्रथम और अचूक बाण है, इसका कोई काट नहीं। हर बाण का काट है प्रभु श्री राम नाम का बाण। जय श्री राम। असंभव, अभी चार बाण शेष है हनुमान जी। शोषण बाण, ये वो बाण है जो शरीर में कामना को अग्रसर करता है। जय श्री राम। तपन बाण, आप मेरे दो बाणों को नष्ट करने में सफल हुए हनुमान जी, मगर ये मेरा तीसरा और सर्वशक्तिशाली बाण है, इसको आपकी गदा भी नहीं रोक पाएगी। मैं आपको फिर कहता हूँ, अभी भी समय है। आप लौट जाइए, नहीं तो प्रभु श्री राम का नाम लेते ही आपका ये अति बलशाली बाण भी व्यर्थ हो जाएगा। अभी दो बाण शेष हैं हनुमान जी, अपना बचाव कीजिए। सम्मोहन बाण,
जहां प्रभु श्री राम का नाम वहां गदा का क्या काम। जय श्री राम। स्तंभन बाण, ये बाण छोड़ते ही आप स्तंभित हो जाएंगे, फिर अपने मुख से आप प्रभु श्री राम जी का नाम भी नहीं ले पाएंगे। अब मेरे सर्वशक्तिशाली काम बंद से आप स्वयं को नहीं बचा सका सकते। देखा हनुमान जी, आप मेरे स्तंभन में आ ही गए। मेरे सभी बाणों को आपने नष्ट कर दिया हनुमान जी, ऐसा तो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। आज से पहले और आज के बाद, भूत में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी, जहां हनुमान है वहीं प्रभु श्री राम का नाम है। भक्त हनुमान को प्रभु श्री राम का नाम लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। कामदेव, आपके सभी बाण तो नष्ट हो गए कामदेव, किंतु अभी मेरे सभी बाण सुरक्षित हैं, क्योंकि मेरे तो रोम रोम में प्रभु श्री राम का वास है। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम, आपने सर्वथा उचित कहा हनुमान जी, मुझसे भूल हो गई। मैं भूल गया था कि भक्ति भाव से बड़ा कोई भाव नहीं। एक भक्त को मंदिर में भक्ति के अतिरिक्त और किसी भाव के साथ नहीं जाना चाहिए। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं वचन देता हूँ कि मैं आज के बाद इस धाम में कभी लौट के नहीं आऊंगा, और जो भक्त आपकी पूजा करेगा मैं सदा के लिए उन्हें किसी भी स्थान पर अपने प्रभाव से मुक्त कर दूंगा। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ जी की। ये मेरे मन में किस प्रकार का भाव आ रहा था, मैं तो यहाँ प्रभु दर्शन के लिए आया हूँ। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। अब प्रभु दर्शन के लिए जो भी यहाँ आएंगे काम विकारों से मुक्त होकर आएंगे, भक्ति के पावन भाव से ओतप्रोत होकर आएंगे, और उनके मुख पर प्रभु का नाम होगा। मुझे सागर जी को रोकने फिर जाना होगा। जय श्री राम, जय जगन्नाथ। अब मैं पीछे मुड़कर ही नहीं देखूंगा, अन्यथा फिर मुझे प्रभु के दर्शन की प्रबल इच्छा होगी। मैं प्रभु के मंदिर जाने से स्वयं को रोक नहीं सकूंगा। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ। प्रभु, इस भक्त का मन नहीं मानता, रह रहकर आपके दर्शन करने की इच्छा से विचलित हो रहा हूँ मैं, और इधर ये समुद्र जी जो हैं, वो अवसर मिलते ही तूफान खड़ा कर देते हैं। तो प्रभु, इस बार मेरे स्थान पर आप ही आ जाइए और इस भक्त को दर्शन प्रदान करके तृप्त कर दीजिए। प्रभु प्रभु प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए मुझे प्रभु, प्रभु प्रभु मुझे दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए मुझे प्रभु।
विकार का आकार कितना भी छोटा क्यों ना हो, ईश्वर से दूर ही करता है। ईश्वर का वास्तविक दर्शन विकार रहित होकर मिल सकता है।